जय माता दी। दोस्तों, इस नवरात्रि हम आपको दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं मैहर धाम। मैहर धाम में माँ शारदा भवानी का हम दर्शन करेंगे और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम अभी मैहर धाम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो हम अभी रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ मैहर स्टेशन से करीब करीब माँ का दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से करीब 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय करनी होगी। हम ये दूरी तय करने के लिए यहाँ से ऑटो या जो घोड़ा गाड़ी होता है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हम ऑटो लेने के लिए हम आ चुके हैं ऑटो स्टैंड में, और यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम यहाँ से तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम सफ़र में निकल चुके हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से ज़रूर करें। आप कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से और कहां कहां घूमना चाहते हैं, ताकि वैसे जगहों का हम वीडियो आप तक ला सकें। और तो सबसे ज़रूरी बात, 13 के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। और आप देख सकते हैं दोस्तों, बातों बातों हमें पता भी नहीं चला और हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं त्रिकुट पर्वत के पास। और अब जो देख रहे हैं त्रिकुट पर्वत है, इसी के ऊपर माँ शारदा भवानी विराजमान है। त्रिकुट पर्वत से पहले यहाँ अब जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। आप यहाँ अपना सामान रख के और यहाँ पर नहा सकते हैं, और नहाने के बाद माता का दर्शन करने अब हम शुरू करेंगे आगे की सफ़र। और चलते हुए और आपको जो भी प्रसाद के रूप में लेना हो, नारियल चुनरी, आप यहाँ से ले सकते हैं दुकानों से। तो ये रहा माँ शारदा भवानी का प्रवेश द्वार, इन्हीं से हम सफ़र में अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। जय माँ शारदा भवानी। हम थोड़ा देख रहे थे आगे आएगा। नवरात्रि के सीजन में है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। इस त्रिकुट पर्वत पर जहां माँ शारदा भवानी विराजमान है, यहां करीब करीब 1063 टोटल सीढ़ियों को लांग कर हमें माँ शारदा भवानी का दर्शन करने के लिए ऊपर पहुंचना होता है। और आप देख सकते हैं सामने त्रिकुट पर्वत पर ऊपर जाने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग चढ़ने में असमर्थ हों वो लोग आसानी से माँ का दर्शन कर सकें। आप सामने देख सकते हैं, और
अब हम चलते चलते दोस्तों करीब करीब आधी दूरी को नवरात्रि में देख सकते हैं कितना भीड़ है। क्या आप जानते हैं माता के इस स्थल का नाम मेहर क्यों पड़ा? मेहर का अर्थ है माँ का हार, और इस स्थल पर देवी सती का हार गिरा हुआ था। यही कारण है कि इस स्थल का नाम मेहर पड़ा। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम जिस पर्वत पर अभी हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से नज़ारा कैसा लग रहा है नीचे का। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और कुछ ही देरों में हम आपको माँ शारदा भवानी के दर्शन कराने वाले हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ शारदा भवानी। पीठ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माँ शारदा भवानी के परम भक्त अल्लाह के द्वारा हर रोज कपाट खुलने से पहले पूजा की हुई मिलती है, और आल्हा माँ के परम भक्त थे और उनके भक्ति से खुश होकर माँ ने उनको अमर होने का वरदान दिया था, और तब से लेकर आज तक हर दिन कपाट खुलने से पहले आल्हा ही माँ की सबसे पहली पूजा करते हैं, और उन्हें पूजा करते कोई नहीं देखता। और जब कपाट खुलती है माँ के चरणों में फूल और जल चढ़ा हुआ पाया जाता है। हम अब पर्वत पे ऊपर आ चुके हैं और कुछ ही पलों में हम माँ शारदा भवानी के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए, ये रहा माँ का भव्य मंदिर जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। जोर से बोलिए जय माँ शारदा भवानी, जय माता दी। आप माँ शारदा भवानी का दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, दर्शन करने के बाद आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये किस तरह से नज़ारा दिख रहा है, इस पर्वत से कैसा नज़ारा लगता है नीचे का। बहुत दूर दूर तक किसी तरह से, और ये पास में जो रुपये का जो दूसरी रास्ते से नीचे चलेंगे, और हमारे दूसरा रास्ता होगा रुपये का, रुपये से हम इस पर्वत से नीचे की ओर उतरेंगे। यहीं से रुपये का रास्ता है, और यहीं से हम रुपये से होते हुए नीचे जाएंगे। वहीं चलते हैं और टिकट लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, और नवरात्र की वजह से नवरात्र में माँ के दर्शन करने के लिए लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बड़े बड़े VIP आते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए इस नवरात्र के पावन अवसर पर आते हैं। भाई हम भी अब चलते हैं आगे, हमारे दर्शन पूरा होने के बाद हम नीचे चलेंगे। हम रुपये में बैठ गए हैं और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक Yeah.
तो हम माँ शारदे का दर्शन करने के बाद नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर महाप्रसाद का भंडारा चलाया जा रहा है और यह बिल्कुल निःशुल्क है, यह सालों भर चलाया जाता है। तो आइए हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो भक्त यहाँ पर स्वेच्छा से अपने दान करना चाहते हैं वो अपने स्वेच्छा से यहाँ दान करते हैं। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं।